guys, welcome back to our channel. I am Gungun. I am Shweta. I am Shreya. हम लोग आ गए हैं आज एक नए म्यूजिक वीडियो पे रिएक्शन देने, जो है थैंक गॉड मूवी का. इस मूवी में है सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टर, और ये सॉन्ग है आई थिंक आइटम नंबर है, और इसमें नोरा फतेही है. और ये सॉन्ग का नाम है मानिके, और गाया है योहानी ने ही. वो मानिके मांगे हिते भी गाया था. श्रीलंकन सिंगर है ये, और इसका ये सॉन्ग इंडिया में बहुत फेमस हुआ. इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड काफी फेमस हुआ था. वन ईयर पहले आई थिंक, वन ईयर से ज्यादा. हाँ. और गाया जुबीन नौटियाल, योहानी और सूर्या रघुनाथन ने है, और म्यूजिक दिया है तनिष बागची ने. एज ऑलवेज नहीं, मतलब अभी वो डिमांड में है बहुत ज्यादा, और फेमस भी हो रहे हैं उनके काफी सॉन्ग्स. तो स्टार्ट करते हैं पहले. और ये सॉन्ग वैसे ट्रेंड कर रहा है सेकंड नंबर पे, तो सुनते हैं कैसा है. मुझे लग रहा है मानिके का ही सीक्वल टाइप का समथिंग है. आई थिंक वैसा ही कुछ, आई थिंक हिंदी देखते हैं क्या सब कुछ है. स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे उस सॉन्ग पे. ठीक है. म्यूजिक सिद्धार्थ का लुक कितना सही लग रहा है, नौरा का. ये था सॉन्ग, कमाल है. मैंने एक लाइन नहीं सुना था इसका, मतलब ये सॉन्ग सुना है, बट ये मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये है. मुझे सिर्फ नाम से लगा कि शायद उसका ये सीक्वल है, बट वो सेम कुछ लाइंस, वो जो मेल वर्जन है वो चेंज है वहां पे. बाकी फीमेल वर्जन में भी लाइंस चेंज है थोड़े बहुत, बट आई थिंक सिर्फ वो जो मेन लाइन है वो सेम है. बाकी लाइंस आई थिंक वो तो सॉन्ग श्रीलंकन है ना, ये तो हिंदी में है. लेकिन क्या गाना है, बहुत अच्छा बनाया है ये सॉन्ग, है ना. सेटअप से लेके बहुत सही है, ड्रेसिंग सब कुछ, कॉस्ट्यूम, सिद्धार्थ का लुक, नौरा का लुक,
कमाल का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो बीच में एक स्टेप था जिसमें ये थोड़ी शाई हो गई थी, उनका जो इंटीमेट था वो जो स्टेप जो सीन था बहुत सही था वो वाला, मतलब व्हाइट का रखा है पूरा थीम इन लोगों ने, है ना, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा रेड भी था, रेड कहाँ था, रेड जो फ्लावर्स वगैरह, अच्छा वो। हाँ, मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा, वो जो लास्ट में वो जो कर्टन्स कर दिया ना, बिल्कुल कर्टन्स से कर्टन्स जो नीचे बहुत खूबसूरत व्हाइट है ना, व्हाइट का डांस बहुत ज्यादा अच्छा था। हाँ, नोरा का डांस तो अच्छा, हमेशा से वो तो बहुत अच्छी लग रहा है, बट इसमें नहीं, इसमें डांस बहुत यूनिक भी लग रहा है, इसमें यूनिक मतलब उसके जो डांसेस मैंने देखे उससे ये यूनिक लगा, डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डांस, और बहुत सोबर था बेसिकली। मुझे लगा था ना कि ये आइटम नंबर होगा, काइंड ऑफ आइटम नंबर ही है, बट वैसे भी वो सॉन्ग जो है वो बहुत सोबर है, बहुत पीसफुल वाइब देता है वो सॉन्ग। ये भी वैसे इवन सेटअप वगैरह भी देखो ना, कितना पीसफुल लग रहा था सुन के। ये मूवी रिलीज भी हो गया है, हो गया या फिर होने वाला है, आई थिंक 25th अक्टूबर को आने वाला, अभी कहाँ रिलीज हुआ, अक्टूबर का आ रहा है, अक्टूबर का आ रहा है, अभी तो टाइम है, बहुत दिन है, 1 महीने से भी ज्यादा ही है। मुझे तो काफी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, ड्रेसिंग सेटअप सारा सॉन्ग ऐसा है कि इसको मतलब क्लब्स में भी बजा सकते हो, नॉर्मल अगर होम फंक्शन है तो उसमें भी प्ले कर सकते हैं, ऐसा टाइप का, ऐसे भी सुन सकते हैं। तनिष्क, हाँ मतलब सोबर काइंड ऑफ सॉन्ग है बहुत ज्यादा। तनिष्क बागची ने बहुत अच्छा काम किया, तनिष्क बागची फेमस भी इसीलिए है, वो सेकंड नंबर पे ट्रेंड भी कर रहा है ऑलरेडी, अब समझ में एक्चुअली कर रहा है। एक्चुअली वो सॉन्ग भी तो इतना अच्छा था ना, जिसका इन लोगों ने सीक्वल बनाया, योहानी का जो वॉइस है, योहानी की वॉइस इतना सही है, मतलब हार्ट टचिंग वॉइस है, सही ये शायद उसका शायद क्या ये फर्स्ट ही बॉलीवुड है ना, फर्स्ट ही बॉलीवुड सॉन्ग है उसका, ये डेब्यूट किया शायद उसने, डेब्यूट किया, ये क्या धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, थैंक गॉड नहीं देखा नहीं है कुछ भी, मुझे बस ये सॉन्ग का पता चला कि बहुत ज्यादा ट्रेंड, उतना टाइम नहीं मिल पाता कि चेक करूं मैं कि कितना ये मैं किसका ये नहीं, बट जितना भी मुझे पता है ये सॉन्ग बहुत ट्रेंड पे था, तो मैंने सोचा कि इस सॉन्ग पे रिएक्शन देते हैं, और मैं सुना भी नहीं था, मैं तो मनी के मगे थे ही सुना है, उसके बाद ये और वो भी गाना सुना, मुझे काफी टाइम हो गया एक्चुअली, वो सॉन्ग भी सुने बहुत टाइम, हाँ उसके बाद कम हो गया था सुनना बहुत, अब ये एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ट्रेंड हुआ था ना, इसलिए मनीष बाकी ने सोचा इसको लाता है, इसको बनाता है, चलो और ये भी ट्रेंड पे चला गया, सेकंड नंबर पे, सेकंड और फिफ्थ डे में सेकंड नंबर पे, बहुत अच्छा है सॉन्ग, बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा मतलब मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी इस सॉन्ग की वो थी वाइब, सॉन्ग की वाइब बहुत अच्छी है, और रियल सिंगर रखा है, या रियल सिंगर रखा है, क्योंकि अगर रियल सिंगर नहीं रखो उसके जगह किसी और को डालो ना फिर वो सॉन्ग गलत हो जाता है, इन्होंने रियल सिंगर को रखा है ये चीज बहुत सही है, क्योंकि अगर मे बी रियल अगर ये लोग किसी और को ले लेते तो शायद इतना अच्छा नहीं होता, निवानी की वॉइस अलग, जो रियल सिंगर है उसकी बात अलग है ना, ओरिजिनल 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 थोड़ी कोई बीट कर सकता है, बहुत कम ही सॉन्ग ऐसे मैंने देखा है जो ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल के कंपैरिजन का ऐसा सॉन्ग मैंने बहुत कम ही सुना है, बट ये सही में बहुत अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैंने देखा ना ये सॉन्ग, मुझे लगा कि शायद सॉन्ग तो सारा कुछ, मुझे लगा सेम पैटर्न का कोई सॉन्ग होगा नोरा का या समथिंग ऐसा लगा, बट ये तो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत सोबर है, बहुत सोबर सॉन्ग है और डिसेंट सा भी, कुछ सीन्स इंटीमेट है वो तो होंगे ऑब्वियसली, आइटम नंबर है तो होंगे, अच्छा भी लग रहा है ना, केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, सिद्धार्थ और नोरा की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, इनको कास्ट करना चाहिए एक मूवी पे, नोरा बेसिकली आइटम नंबर से करती है ज्यादा, मूवी भी किया है उसने, एबीसीडी वगैरह मूवीज किया है कम, बट वो एक्ट्रेस काफी अच्छी है, एक्ट्रेस भी अच्छी है, नहीं स्ट्रीट डांसर, एबीसीडी तो थी वो जो वरुण धवन के साथ स्ट्रीट डांसर, अच्छा तो स्ट्रीट डांसर वो मैंने देखी नहीं हूँ मूवी, बट मुझे लगा एबीसीडी का वो था ना, स्ट्रीट डांसर अच्छा, तो नोरा फतेही के साथ अच्छी लगेगी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की पेयरिंग काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा टाइम मैंने देखा इसमें ही उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है, अगर मूवी में लोगे कुछ बिहाइंड द सीन्स मैंने देखे थे जो आउट हुआ था अभी 2 दिन पहले,
वो काफी अच्छा लग रहा था देखने में. एक मैंने मीम्स भी देखा था, उसमें एक था कि शायद कि जिस हिसाब से सिद्धार्थ काफी हैंडसम लग रहा है सॉन्ग पे काफी हैंडसम लग रहा है, कुछ था कि आरा से रिलेटेड कुछ दिया हुआ था, तो काफी मतलब क्यूट सा था वो जो मीम्स था, क्यूट सा था. और केमिस्ट्री भी फायर लग रही है, नोरा फायर लग रही है, लेकिन सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है. सॉरी पता है सब लग रहा है बहुत ज्यादा. तो ठीक है, अब लोग थैंक गॉड का क्या ट्रेलर भी तो आ ही गया होगा ना, तो इस पे हम लोग रिएक्शन देंगे. ट्रेलर आ गया होगा. हाँ ट्रेलर तो आ ही गया होगा. वन मंथ पहले ट्रेलर नहीं आया था. ट्रेलर टीजर आया होगा, टीजर आउट हो रहा होगा ना, देखते हैं जो भी. अगर टीजर आया है तो हम लोग उस पे भी रिएक्शन देंगे. लग रहा अच्छी होगी मूवी. सॉन्ग तो काफी अच्छा लगा, देखते सिद्धार्थ की तो लास्ट मूवी भी काफी हिट गई, ये मूवी भी देखते हैं कि वो सिद्धार्थ आजकल बहुत पिकी हो गया, मतलब वो चूज कर रहा है मूवीज, बहुत ध्यान से चूज कर रहा है वो, है ना, देखते हैं स्टोरी लाइंस वगैरह फोकस करते हैं. हाँ ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन. आपको कैसा लगा हमें बताना हमारा रिएक्शन, और अच्छा लगे तो डू लाइक और कमेंट करना, बताना हमें कमेंट में आपको कैसा लगा नहीं लगा. और क्योंकि हमें हमारे लिए बहुत मैटर करता है, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप हमें जैसे बताएंगे जैसे सजेस्ट करेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे. और अगर कुछ इम्प्रूव करना हो तो आप वो भी बताना हमें, ठीक है, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो और कमेंट करना और रिव्यूज देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना. यस, तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से रहो, ठीक है.